प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में जाली नोट का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इसकी खबर मिलते ही हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक्शन में आते ही दो बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 84,200 रुपए के नकली नोट बरामद किए। जिला स्पेशल दल के सहयोग से की गई कार्रवाई में पुलिस ने कुलदीप सिंह और शिव प्रकाश को गिरफ्तार किया है। श्रीमान आयुष साहब और श्रीमान एसपी साहब द्वारा अवैध धंधों की रोकथाम हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे थे और उसी के तहत आज मैंने एसएचओ द्वारा मैं टीम के गश्त के दौरान मुखबिर की इतला पर दो व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर नकली नोट सहित गिरफ्तार किया गया और 84,200 रुपये नकली नोट बरामद किए गए, जिसमें 500 और 100 रुपये के नकली नोट हैं। ये नोट मुलजिमान द्वारा प्रिंटर से और स्कैनर से रंगीन प्रिंटर से बनाना बताए हैं और इनके साथ जो अन्य मुलजिम हैं जो शामिल हैं उनके लिए भी अनुसंधान